हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाल बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी खबर गुड़ को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेब आसतु जाने कौन से ही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेब तापूर्वर आपंक अनुरोध अटे जदि आपंक भिडियोटी भल लगे आपड़ लाइक करने सहित भिडियो को अधिक रू अधिक सेयार करेंगे। या सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेब आसतु आरंभ कर आज खबर अभियान। तेब प्रथम बड़ खबर हो देशरे सबुठारु उत्तप्त होउछि ओडिशा। आसंता दुई दिन पर्यंत ताति हुई बढ़ उपकूल भी छटपट करिबो मुंड फटाखरा। ततला पवन माड़े सिझुची ओडिशा। तापमात्रा हुई बढ़ुची। टाई टाई खरारे मुंड झाई झाई हो पड़ुची। पदाकु बाहर देह जमी पोड़ा भाई लगुच एमती अवस्था अधा ओडिशा होइछि। राज्य में नौट सहर गुरुवार तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस छुईं। सर्वाधिक ताति अनुभूत होइछि बौद्ध जिले में। तापमात्रा 40.8 डिग्री छुईं जहाँकि देशर सबुठारु उत्तप्त सहर। यह पक्षक 40.4 डिग्री सहित तापमात्रा सहित भुवनेश्वर और बौद्ध सहर देशर द्वितीय उत्तप्त सहर पलटि जाइछि। पानीपाग पूर्वानुमान कहिछि जे आसंता दुई दिन पर्यंत तातिरु निस्तार मिलिब नाही, बरं ताति आहुरी बढ़िजिब। आसंता दुई दिन भितर आभ्यंतरण ओडिशार तापमात्रा 2-3 डिग्री बढ़िब, अर्थात पारद 42-43 डिग्री पर्यंत जाइपारे। आहुरी दुई दिन पर्यंत एमिति गरम सिझिब ओडिशा। केवल आभ्यंतरण नुहे, उपकूल अंचल मध्य असह्य गरम छटपट हेब। पानीपाग विभाग कहिछि भुवनेश्वर समेत राज्य केतक अंचल भीषण गरम जारी रहिबो। दिनर तापमात्रा आसंता 4 दिन पर्यंत स्वाभाविक ठारु 4-5 डिग्री अधिक रहिपारे। तेब आसंता 28 तारिखर केतक जगार कालबैशाखी जनित वर्षा होइपारे। तेब एथिजोगु तापमात्रा सामान्य कमिबा सहित केतक अंचल गरमरु हालुका निस्तार मिलिपारे। तेब परवर्ती खबर होउछि भारत बंद। देशव्यापी 12 घंटिया बंद पालन करुछन्ति चासी। नुआ कृषि आईन को विरोध कर चाषी चल आंदोलन को आज 4 पूरी, तेणु एथपाई आज देशव्यापी बंद पालन करुछन्ति कृषक संगठन। प्रभाव में सकाल 6 विभिन्न स्थान में राजरास्ता को ओल्लाइछन्ति हजार हजार चाषी। रास्ता रोक करने सहित ट्रेन अटकाई। बंद रही व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दोकान बजार। संयुक्त किसान मोर्चा बंद डाकरा देछि। तेब शांतिपूर्ण बंद पालन आह्वान दि जाइछि। सकाल 6 संध्या 6 जाए बंद पालन हेबो। दिल्ली सीमार गाजीपुर में शह शह चाषी एकाठी होती समर्थन देवा साधारण लोकों अनुरोध करते। देशर विभिन्न स्थान में हाईवे को अवरोध कर आंदोलनकारी, फल ठप हो जाए गाड़ी मोटर चलाचल। गाजीपुर सीमार परिवहन को बंद कर दी जाए। कृषक संगठन भारत बंद डाकरा को समर्थन देते विभिन्न राजनैतिक दल और संगठन। साधारण लोक भी सामिल होती फल प्रभावित हो साधारण जीवन जात्रा। तेज अत्यावश्यक सेवा और विधानसभा निर्वाचन होगा रही 5 राज्य में बंद पालन को बाद दि जाए। तेब परवर्ती खबर होबे स्कूल बंद होना कहले गणशिक्षा मंत्री। केन्द्रीय विद्यालय समेत राजधानी में 2 विद्यालय 4 जन छात्र छात्री कोरोना आक्रांत होती। गतकाल ए संपर्क में जमापड़ा पर एप्रिल स्कूल बंद होने एक खबर घूरी बुलू जहाक नहीं विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहते एपर्यंत राज्य सरकार द्वारा परिचालित स्कूल किंवा हॉस्टल कौन आक्रांत बाहरी ना। राज्य सरकार पक्ष जारी होता एसओपी को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने लगी निर्देश दि जाए। घर स्कूलगुड़ जिला प्रशासन पक्ष कड़ा नजर रखाई। स्कूल बंद होने एपर्यंत कौन निष्पत्ति निजाई। छात्र छात्री अभिभावक और स्कूल कर्तृपक्ष भ्रांतिकर तथ्य को विश्वास नक श्री दास कहते। तेज अंपक्ष गत सप्ताह मध्य भुवनेश्वर स्थित एक्सआईएमबी एक कोचिंग सेन्टर घर विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय एक इंजीनियरिंग कॉलेज राउरकेला स्थित एनआईटी कटक स्थित एक घर कॉलेज और रेवेन्सा विश्वविद्यालय छात्र छात्री कोरोना आक्रांत होगा पर राज्य सरकार चिंता बढ़ी जाइए। किभली यार मुकबिला करह से नहीं जिला स्तर में पदक्षेप ने निर्देश दी जाए। हॉस्टल छात्र छात्री विशेष प्रभावित होती आज भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर सहर 3 शिक्षानुषान कोरोना टेस्ट कर। ते परवर्ती खबर होती आज राज्यर समस्त सरकारी और घर स्कूल छुट्टी। आज राज्यर समस्त सरकारी घर स्कूल छुट्टी घोषणा होती। भारत बंद डाकरा नहीं बंद रही समस्त स्कूल। स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्ष सूचना जारी होती। तेज सेपटे आसंता 28-29 तारीख राज्य में स्कूल छुट्टी होने घोषणा कर राज्य सरकार। होली और दोल पूर्णिमा दुई दिन राज्य समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा कर सूचना रही। ते परवर्त खबर होती राज्य में निलाम हो 14 खणि। कोल ब्लक आवंटन नहीं केन्द्र सरकार ग्रीन सिग्नाल। राज्य में निलाम होगा जाऊँ 14 कोईला खणि। कोल ब्लक आवंटन नहीं केन्द्र सरकार पक्षर् मिली ग्रीन सिग्नाल। देशर निलाम होगा रही मोट 67 कोईला खणि मध्य ओडिशा रे 14 कोल ब्लक रही। द्वितीय पर्याय में 14 कोईला खणि निलाम होब। एने केन्द्र सरकार कोईला मंत्रालय पक्षर् अनुमति मिली। ते परवर्ती खबर होती एलआईसी लक्षाधिक ग्राहक मानक आसला खुशी खबर। एवं 6 पर्यंत देवाक पड़े ना होम लोन ईएमआई। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी निजर ग्राहक मानक खास सुविधा नहीं आसी। जदि होम लोन ने आपंक 6 पर्यंत ईएमआई देवाक पड़े ना। कंपनी निजर ग्राहक को 6 ईएमआई छाड़ कर दी। कंपनी पक्ष गुरुवार गृह वरिष्ठ योजना अनुसार लोन नहीं ग्राहकों को सुविधा देती। तेज यही उल्लेखनीय वेतनभोगी उद्धारकर्ता सहित पेनसनभोगी मानक डिफल्ट बेनिफिट पेनसन स्कीम अंतर्गत आसी थाए। तेज ग्राहक को जितेबाला ईएमआई देवाक पड़े से छाड़ कर गृह वरिष्ठ मार्केट में उपलब्ध एक अद्भुत होम लोन। योजना जरिया लोन ने लोकों बयस
65 वर्ष पर्यंत होईपारे। कंपनी पेनशनभोगी मानकर पई एक खास होम लोन गृह वरिष्ठ जारी करिछे। एहा अनुसार ऋण समय सीमा 80 वर्ष बयस पर्यंत किंबा अतिबेसी 30 वर्ष रखा जायछि। एही योजना अनुसार तयार होइथुवा घरर ग्राहकंकु 6 ईएमआई छाड़ करबा सहित निर्माणधीन घर पई किस्ती परिशोध करबा उपरे 48 मासर रोक भली सुविधा मिलिबो। ते परवर्ती खबरटि होउछि आहुरि सस्ता हला पेट्रोल एवं डीजल दाम। क्रमगत भाव में द्वितीय दिन पर गुरुवार देशर पेट्रोल और डीजेल दर ह्रास पाई। बुधवार तुलन में गुरुवार भुवनेश्वर लिटर पिछा पेट्रोल दर 21 पैसा और डीजेल दर 22 पैसा खसी। से ही दुई दिन में पेट्रोल और डीजेल दर यथाक्रमे 39 और 41 पैसा ह्रास पाई। लिटर पिछा यथाक्रमे 91 टंका 51 पैसा और 88 टंका 79 पैसा को कमी। गत वर्ष मार्च 16 तारीख में तेल दर कमी यापर देश में तेल दर वृद्धि पाता कि स्थिर रही है। गत काली प्रथम थर पर दर ह्रास घटा बेले आज द्वितीय थर पर कमी। मिले सूचना अनुजाई गत वर्ष मार्च मसने सरकार तेल उपर उत्पाद शुल्क वृद्धि करते से आज सुधा पेट्रोल और डीजेल दर लिटर पिछा यथाक्रमे 21 टंका 58 पैसा और 19 टंका 18 पैसा वृद्धि घटी। ते परवर्ती खबरटी होची भारत इंग्लैंड दिनिकिया श्रृंखला द्वितीय मुकाबला आज सीरीज विजय लक्ष्य रे टीम इंडिया। भारत इंग्लैंड मध्य जारी रही दिनिकिया सीरीजर द्वितीय मुकाबला आज श्रृंखला द्वितीय मैच आज अपराह 2:30 पुणेस्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम खेल। तीनोटी मैच विशिष्ट यह सीरीजर प्रथम मैच जीति आज मैच विजय हासिल कर भारत श्रृंखला को अख्तियार करने को चाहती। अंपटे इंग्लैंड मैच जीति सीरीज एक एक यथासंभव उद्यम कर। तृतीय तथा अंतिम दिनिकिया मार्च 28 तारीख में खेल। बर्तमान यह परिप्रेक्षी टीम इंडिया में प्रायतः समस्त खेला भल फर्म रही तेणु यह श्रृंखला भारत सफेक जी आशा। अंपटे विराट कोहली नेतृत्व में खेलु भारत आज मैच जितने समस्त प्रकार रणनीति प्रस्तुत कर। ते परवर्ती खबरटी होती 819 टंकार गैस सिलिंडर मिलूँ 119 टंकार उठातु यही अफर लाभ। यही समय घर रोसे गैस मूल्य आकाश छुआ रही सब्सिडी रही सिलिंडर मूल्य 2021 टंकार एपर्यंत 225 टंका प्रति सिलिंडर पर्यंत बढ़ी जाइए। दिल्ली में सब्सिडी रही 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर दाम 819 टंका पहुंची सारी किंतु पेटीएम आपंक एक खास अफर नहीं आसी जार अनुसार आपड़ 819 टंकार सिलिंडर को मात्र 119 टंकार पाइपर तेब यार अर्थ आपंक सीधा 700 टंकार क्याशबैक् मिल तेज आसतु जाने कि अफर लाभ उठाई पारे। आपड़ पेटीएम्रु निजर एलपीजी सिलिंडर बुक कर 700 टंका पर्यंत क्याशबैक् पारे। देशर अधिकांश भाग में जोटी एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी उपर 819 टंका रही सेठे पेटीएम विशेष क्याशबैक्र फायदा उठाई आपड़ मात्र 119 टंकार यह किए। जदि आप फोन में पेटीएम आप ना तेज प्रथम डाउनलोड करनी पेटीएम आप को सो मोर क्लिक करूँ एवं यहाँ रिचार्ज एंड पे बिल्स उपरकू जातु बुक ए सिलिंडर ऑप्शन खोलतु। भारत गैस एचपी गैस कि इंडियन रु निजर गैस प्रोवाइडर चयन करूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किंवा निजर एलपीजी आईडी दाखल करूँ। यहाँ आपको पेमेंट ऑप्शन आसीबो एबे पेमेंट करने पूर्व ऑफर उपर फास्ट एलपीजी प्रोमो कोड पकांतु 700 टंका पर्यंत ही कैशबैक पेटीएम आप माध्यम रे प्रथम थर एलपीजी गैस सिलिंडर बुक करथुवा ग्राहक पाइपरिबे। कैशबैक रो एही ऑफर 31 मार्च 2021 पर्यंत शेष हेबा को जाउछि। ते परवर्ती खबर टिउछि मुंबई रे एक हॉस्पिटल दुई रोगी मृत 70 अधिक उद्धार। हॉस्पिटल भयव अग्निकाण्ड मुंबईर एक घर हॉस्पिटल निया लगी दुई जन रोगी प्राण हर किसी रोगी निया और धूआर अणनिशेष हो जाते अवस्था संकटापन्न रही। 70 अधिक रोगी को उद्धार कर स्थानातर कर तेज यही सूचना मिली हॉस्पिटल अधिकांश कोरोना संक्रमित रही गतल रात पाखापाखि 12:30 बेले हॉस्पिटल निया लगी सपिंग मल रही बिल्डिंग में हॉस्पिटल चलुला हठात हॉस्पिटल भितर निया और धूआ बाहरी तुरंत घटनास्थल में पहुंचे अग्निशम बाहन 22 टीम रोगी को उद्धार कर अन्य हॉस्पिटल स्थानांतरित करते दीर्घ घंटा पर आयत होता निया अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट रही। ते परवर्त खबरटी होती 497 दिन व्यवधान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विदेश गस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दुईदिनिया बांग्लादेश गस्तर रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेश गस्त मार्च 26 और 27 तारीख में रही। यही गस्त काल में मोदी मतुआ संप्रदायर प्रतिष्ठाता हरिचांद ठाकुर जन्मस्थल जी से मोदी मतुआ संप्रदायर लोक भेटे। प्रधानमंत्री मोदी यह गस्त तीनोटी कारण को नहीं चर्चा होती। बांग्लादेश स्वाधीन होबार 50 वर्ष पूर्ति अवसर में वार्षिक समारोह द्वितीय बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्मदिन शताब्दी और तृतीय भारत बांग्लादेश मध्य रही 50 वर्ष कूटनैतिक संपर्क भारत और बांग्लादेश मध्य सुसंपर्क रही। भारत पूर्वतर नीति आहुरी मजबूत होती। कोरोना संकट समय भारत पड़ोसी को प्राथमिकता नीति अनुसार बांग्लादेश को अधिक कोरोना टीका मिली। बांग्लादेश को 90 लाख डोज टीका मिली। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गस्त में ढाका और पश्चिमबंग जलपाईगुड़ी मध्य ट्रेन सेवा को सबुज संकेत मिलपे। ते परवर्त खबरटी होती पिपिली उपनिर्वाचन आश्रित को प्रार्थी कला बीजेपी आज बीजेडी घोषणा करिबा प्रार्थी। पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन बीजेपी गतकाल तार प्रार्थी घोषणा कर पुरी जिला सभापति तथा पिपिली पूर्व प्रार्थी होता आश्रित पट्टनायक दल एथर उपनिर्वाचन प्रार्थी कर दलर संसदीय बोर्ड बैठक में यह निष्पत्ति
आसंता एप्रिल 17 तारीख में पिपिली विधानसभा आसन पर भोट ग्रहण होगा रही था बेले बीजेपी गतकाल तार प्रार्थी भाव में पुणि थे आश्रित पटनायक भरोसा कर श्री पटनायक 2019 साधारण निर्वाचन में पिपिली दल प्रार्थी हो बीजेडी हेवीवेट नेता दिवंगत प्रदीप महारथी पराजित होते अवश्य बीजेडी दुर्ग भाव में परिचित पिपिली श्री पटनायक प्रदर्शन 2019 साधारण निर्वाचन में बेस भल रही है आज सकाल किसी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेरे लाटेस्ट खबर सबको आप जानवापी आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को अधिक शेयर करूँ। धन्यवाद।